ये भाई बहुत ही ज्यादा बेकार क्वालिटी के मैं बोलूंगा, क्योंकि भाई 40-50 की स्पीड के बाद ना भाई अगर इसने 30-35 से ऊपर की माइलेज दी है। देखो भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चढ़ाई है भाई, देखो फ्लाईओवर है, बाइक की आप पावर देख सकते हो फ्लाईओवर पे बिना किसी रेस। पर भी डिपेंड हो सकता है, बट मैं बोलूं नेगेटिव मुझे कोई ढूंढ के दिखा दो इस बाइक के बारे में भाई। हेलो भाई, मैं हूं अजय, और भाई आज मैं आपके सामने लाया हूं अपनी हंटर 350 का 5000 किलोमीटर का रिव्यू। टोटली बोलूं तो भाई आज मैं आप सबके सामने बताऊंगा कि मुझे 5000 किलोमीटर में अपनी हंटर 350 में क्या क्या दिक्कतें फेस करने को मिली है। ठीक है, दिक्कतें इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कुछ कुछ है भाई, तारीफ की अगर मैं बात करूं तो इतनी सारी हैं। तो भाई जो भाई ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि हंटर में क्या डिसएडवांटेज मिलेगा, तो उनके लिए शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाली है, क्योंकि भाई 5000 किलोमीटर में ना मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट लगा लो आप 4000-4500 किलोमीटर ना, मतलब 5500 होने वाला है भाई, 5000 पूरा नहीं है, 5500 है, तो उसमें से 4000-4500 किलोमीटर जो मेरी बाइक चली है ना वो टोटल चली है ट्रिप पे, मतलब अपने चंडीगढ़ शहर से मेरी बाहर ही चली है मेरी बाइक ऑलमोस्ट भाई, वो 700-800 किलोमीटर हैं जो स्टार्टिंग में ली थी और कुछ बीच के जिसमें मेरी बाइक सिटी में चली गई, अदरवाइज भाई इस बाइक की परफॉर्मेंस लाजवाब। अभी भाई लास्ट वीडियो किसी ने अगर देखी होगी तो मेरी उत्तराखंड वाली है भाई, उत्तराखंड ट्रिप पे मैं इसको लेके गया था, ऑलमोस्ट भाई मेरी वो ट्रिप थी 1500-1600 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, बट भाई जो इस बाइक ने परफॉर्मेंस दी है ना यार, मैं बोल रहा हूँ भाई आपको प्यार हो जाएगा यार इस बाइक से, और मुझे तो भाई सच में प्यार है। ठीक है, बात करते हैं भाई इसकी पावर परफॉर्मेंस में, पहले नेगेटिव कर लेते हैं भाई बात, ठीक है, नेगेटिव मुझे क्या क्या फील हुआ इस बाइक के बारे में। सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, नेगेटिव मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगी है, वो है भाई अगर बतानी ही है, वैसे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट कभी कभी फील होता है भाई वो जब ऐसी रोड होती है, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इसका सस्पेंशन थोड़ा सा मतलब बेटर हो सकता था। मैं ये कंप्लेंट नहीं कर रहा भाई कि चलाने लायक नहीं है, भाई मेरे लिए ओके है भाई, पर मैं बता रहा हूँ अदर जो इसके सेगमेंट में बाइकें आती हैं उनके मुकाबले इसका सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, आगे का वेरी गुड है, बट पीछे वाले में भाई थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट वो दिक्कत भाई दूर हो जाती है जब ये इतना बड़ा इंजन है ना भाई, ये 350 cc का जब ये पावर निकालता है ना भाई, तो सारी कंप्लेंट्स धरी की धरी रह जाती है मेरे तो, खासकर भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं सच बताऊँ ना, मुझे पीछे के सस्पेंशन से भी कोई भी दिक्कत नहीं फेस करने को मिली, और अगर बताना ही है नेगेटिव कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे सच में लगी है बेकार हंटर 350 के बारे में, तो वो है भाई इसके ये मिरर्स, ये भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी के मैं बोलूँगा, क्योंकि भाई 40-50 की स्पीड के बाद ना भाई इनका कुछ भी काम नहीं रह जाता, और भाई मिरर्स सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर्स होता है, तो इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए यार, अगर आप 70-80 की स्पीड पे चल रहे हो और यही वर्क नहीं कर रहा तो भाई फिर फ़ायदा नहीं है ना। एक भाई मेरे को बेकार चीज़ अगर मैं बोलूँ अंकल जी तो भाई एक अगर मैं बेकार चीज़ बोलूँ तो मुझे ये लगी है। दूसरी चीज़ लोग बोलते हैं भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, बट भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, ट्रस्ट मी। इतना सा भी देखो भाई, अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो आपको बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा कि भाई बहुत ही कम ग्राउंड क्लियरेंस है, बट ट्रस्ट मी भाई जहाँ मैं उत्तराखंड वाली राइड पर गया था तो वहाँ पर ऐसी रोड थी भाई, ठीक है आपके सामने ही दिख रही होगी, पर कहीं पे मेरी बाइक इतनी सी भी टच नहीं हुई, या मुझे लगा कि ये टच हो जाएगी, मतलब माइंड में तो था भाई कि टच ना हो जाए, बट भाई कोई चांस नहीं, इतना सा भी बाइक भाई कहीं पे टच नहीं हो रखी है। तो मैं बोलूँगा ये जो बोलने वाली बातें हैं ना भाई कि ग्राउंड क्लियरेंस का मैं टच हो सकती है, तो ये भाई मिथी है, ठीक है चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है, बट मैं बोलूँ नेगेटिव मुझे कोई ढूंढ के दिखा दो इस बाइक के बारे में भाई, मैं तो नहीं बता सकता। मैंने इसको 5500 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, जो मुझे नेगेटिव लगा मैंने आप सबके सामने रखा ये मिरर्स। बाकी भाई छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे पीछे वाले के लिए सीट बहुत ही ज़्यादा कम है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। जैसे मैंने भाई यहाँ पे बैक रेस्ट नहीं लगा रखा, आप लोग ज़रूर बैक रेस्ट लगाना अंकल जी फिर। और भाई बैक रेस्ट लगाने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है भाई, क्योंकि आपके लिए सीट इतनी है ठीक है, लेकिन जो पीछे वाला बंदा है ना उसके लिए भाई गिनी चुनी सीट है। मैं आपको एक हेलमेट हटा के दिखा देता हूँ, देखो भाई
एक हाथ बराबर सीट है। और भाई इस बाइक में पावर इतनी है ना कि आप कभी भी अगर स्पीड स्लो करके एकदम से क्लच को छोड़ोगे ना तो एकदम से झटका पड़ता है भाई, और पीछे वाले के लिए ये सेफ नहीं है क्योंकि अटकने के लिए कुछ नहीं है यार, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप डबल राइड करना चाहते हो इस बाइक को लेके तो प्लीज़ पीछे बैक रेस्ट ज़रूर लगवाना, ठीक है। बाकी भाई बुराई मैं बोलूँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, किसी भाई के पास अगर 100 350 है और वो अगर बताना चाहता है तो भाई आपको क्या क्या बुरा लगा इस बाइक के बारे में तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उस चीज़ पे ऊपर गौर करूँगा कि मैंने शायद क्या होता मिस कर दिया। अब मैं आपको मीटर में दिखाता हूँ भाई मेरी बाइक कितनी चल गई है। ये है भाई इसका 54.18, आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉरी भाई, ये रही भाई इसका मीटर का देखो 54.18, मतलब मेरी बाइक अभी तक ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर चलने वाली है। और ये भाई इसमें ना सर्विस लाइट आ रही है, देखो आप लोगों को दिख रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे हिसाब से शायद इसलिए भाई क्योंकि इसकी 5000 किलोमीटर में सर्विस होनी थी और मैंने इसको 4000 के समथिंग ही सर्विस करा लिया था, तो शायद जिसकी वजह से ये लाइट आ रही होगी। मे बी अब जाऊँगा रॉयल इनफील्ड एक बार दिखा के आऊँगा। बट भाई पावर परफॉर्मेंस और माइलेज सबसे अच्छी बात, बड़ी बात माइलेज कितनी दी मेरी बाइक ने। सच बताऊं भाई ऐसे शहरी रास्तों में ना आप इस उम्मीद करते हो कि ये आपको ज़्यादा माइलेज दे और पहाड़ों पे आप उम्मीद करते हो कि ये माइलेज आपकी ड्रॉप करेगी, बट भाई मेरे साथ उल्टा सीन था। मेरे साथ ऐसे सीधे रास्तों पे ना भाई इसने माइलेज बिल्कुल भी नहीं दी, बिल्कुल भी, इन द सेंस कि वही 24-25 चल रही थी, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे को लगा नहीं इसने दी। बट पहाड़ों पे जाके भाई इसकी माइलेज आसमान छू गए, मेरे को लगा इसने 30-35 से ऊपर की माइलेज दी है। पता नहीं रीज़न ये हो सकता है कि हम पहाड़ों पे कंटिन्यूसली चल रहे थे 40-50 की स्पीड पे, जो एक अच्छी माइलेज वाली स्पीड मानी जाती है, तो मे बी ये रीज़न हो सकता है, बट भाई मुझे नहीं पता। माइलेज से तो भाई मैं टोटली बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई इसके माइलेज से। तो भाई बता देना अगर माइक सही से लगा है नहीं लगा है, क्योंकि भाई इस माइक ने मुझे बहुत बार धोखा दे रखा है, तो मुझे नहीं पता लगता सच में कि माइक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा प्रॉपर, है ना। तो एक बार अपना रिव्यू जरूर दे देना मुझे। बाकी बात करते हैं भाई बाइक की, 5419 किलोमीटर हो गए हैं भाई, ऑलमोस्ट हो जा यार, ठीक है 419 किलोमीटर हो चुके हैं। अब मुझे 5419 किलोमीटर में इसमें क्या डिसएडवांटेज लगे हैं ऑनेस्टली बताऊं मैं अगर, तो मुझे राइडिंग करते हुए ना जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे फेस हुई है वो है मिरर्स। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो भाई ट्रक आ रहा है, सॉरी भाई, देखो मेरी स्पीड है 40, दिख रहा है पीछे क्या आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, देखो 80 हुई, 60 है, देखो 60-70 के बीच में। अब देखो आपको मे बी साइड कैमरे में बेटर दिख रहा है यार, तो यार भाई बताऊँ क्या सीन है, देखो बहुत गंदा हिल रहा है कैमरा, देखो आप बता नहीं सकते गाड़ी कौन सी आ रही है। पहले साइड में स्लो करते हैं भाई, मुझे बताऊं क्या लग रहा है कि शायद कैमरे में आपको दिख नहीं पा रहा कि कितने वाइब्रेट कर रहे हैं यार। ट्रस्ट मी भाई सामने बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, इतना वाइब्रेशन है कि पीछे पता नहीं लगता कौन सी गाड़ी आ रही है, क्योंकि बिल्कुल मिरर्स हिल जाते हैं यार। कैमरे में शायद उतना पता नहीं लगा मुझे नहीं पता, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूं इस बाइक का यही है, मिरर्स बिल्कुल लो क्वालिटी के हैं यार, थोड़ा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे मिरर्स। बाकी भाई गिनने के लिए लोग बताऊँ क्या क्या गिनते हैं, मिरर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स, उनको एलईडी चाहिए, ठीक है सच बताता हूँ मैं, इंडिकेटर एलईडी चाहिए, नीचे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है उनके हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें यार। मैं सच बताऊँ अगर आपको एलईडी हेडलाइट नहीं मिल रही, पीछे का टायर का सेक्शन देखा आपने, इतना मोटा इतना वाइड टायर है यार 140 सेक्शन का, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो भाई इसमें कुछ वो नहीं है भाई दोहरा कि क्या है, देखो अब ठीक है बाइक सुतरा में, देखो पीछे का टायर का साइज़ देखो भाई, पूरा हाथ भी नहीं आए इतना, देखो पूरा हाथ भी नहीं आ पा रहा भाई मेरा, उससे बड़ा टायर है भाई इतना। अब ये चीज़ मिल रही है तो कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होगा ना, देखो भाई हर कंपनी कुछ ना कुछ देती है कुछ ना कुछ नहीं देती, जो पीछे इतना बड़ा वाइड टायर नहीं देगा वो आपको मे बी आगे, सॉरी भाई, वो मे बी आपको इस मीटर में 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा दे सकता है, यही होगा भाई, कोई कुछ देता है तो कोई कुछ देता है। बाकी भाई देखो अगर आप लोगों को ये बाइक लेनी है ना तो आप आंख बंद करके ले सकते हो मेरे हिसाब से, तो
क्योंकि भाई जितना मैंने इसको चलाया है ना, रुलाया है भाई, मैंने सच बताऊं। और इतनी प्यारी बाइक है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको इस बाइक से प्यार हो जाएगा 110%। डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है भाई, ट्रस्ट मी। मतलब अब थोड़े बहुत इक्के दुक्के गिनने में तो भाई क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ भाई इसके पावर को लेके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई पावर इसकी। देखो अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, पांचवें गियर में बाइक है। अब देखते हैं बाइक खुद ही अपने आप को कब तक संभाल सकती है, जो कि भाई ये मिसिंग होता है हिमालयन वगैरह में। आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया होगा तो हिमालयन वगैरह में ये चीज़ हमेशा मिसिंग है कि लो एंड टॉर्क बहुत ही कम है उनका, ठीक है। मतलब कई बार सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये है बाइक है मेरी, पांचवें गियर में स्पीड आ गई मेरी 40। देखो पांचवा गियर है, अगर मैनेज कर लेगी तो ठीक है, बंद हो जाएगी तो 20 थी है। नहीं देखो 20 पे इसने अपने आप को मैनेज कर लिया। देखो भाई मैंने हाथ हटा रखा है, ये 20 की स्पीड में अपने आप चल रही है, और आगे चढ़ाई भी है भाई, तो अच्छा खासा टेस्ट हो जाएगा। अब करते हैं इसको भाई चौथे गियर में। चौथे गियर में भी भाई ये सेम ही है, चौथे गियर में भी भाई 20 की स्पीड है। अब करते हैं इसको तीसरे गियर में। अंकल रोडवेज वालों, अंकल आगे रुक गए ना। तीसरा गियर भी मैं बोलूँगा ठीक है, हाँ मेरे हिसाब से 15 के आसपास आ रहा है। देखो 20 से नीचे है ना भाई, तो 15 के आसपास तीसरा गियर। दूसरा गियर लगाऊं तो दूसरा गियर आ जाता है 10 के आसपास आपका, 10 नहीं हाँ 10-15 के बीच का है। और देखो भाई चढ़ाई है, अब चढ़ाई में भी अगर ये बाइक अपने आप को ऐसे खींच रही है तो आप लगा लो भाई पावर का आइडिया। देखो स्पीड बढ़ने लगी, देखो भाई जैसे इसको फील हुआ कि चढ़ाई है, स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगी। पहले पहला गियर का देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल स्पीड डाउन आ गई, कहाँ तक आएगी ठीक है, 8 या 10 के बीच में भाई स्पीड रहती है इसकी। दूसरा गियर डाल देते हैं अगर लोड लगेगी, क्या बोलते हो पब्लिक। देखो भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चढ़ाई है भाई, देखो फ्लाईओवर है बाइक की, आप पावर देख सकते हो फ्लाईओवर पे बिना किसी रेस के अपने आप चढ़ रही है। और अभी मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा भाई मैं कितनी खतरनाक चढ़ाई पे आया हूँ। चढ़ाई तो क्या भाई, देखो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। देखो हम पहले बराबर रोड पे चल रहे थे और अब ऊपर हैं, और बाइक देखो भाई, और ये पावर है भाई देखो बाइक की। तभी मैं बोलता हूँ या तो भाई फीचर्स ले लो या फिर बाइक की पावर ले लो, मुझे मज़ा आता भाई बाइक की पावर में। आप सबके सामने मैंने शो कर ली बाइक की पावर कितनी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ देखो कितनी चढ़ाई थी। ये देखो नीचे आपको दिख रहा है, इतनी हाइट पे बाइक आई है, और देखो भाई इस चढ़ाई पे बाइक चढ़ी है ऑटोमेटिक। मतलब मैंने कोई रेस नहीं दी, कुछ नहीं किया, बाइक खुद ही चढ़ी है। तो इससे भाई आप इसके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं तो आपको बोलूँगा भाई बहुत ही पावरफुल बाइक है, और माइलेज भी इतना गंदा नहीं है भाई। ट्रस्ट में अगर आप इसको ऐसे चलाते हो ना जैसे मैं अभी आपके साथ बात करते करते चला रहा हूँ 50-60 की स्पीड में, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी बाइक है, आपको आराम से 30-32 का माइलेज दे देगी भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ। बट अगर आप थोड़ा रफली चलाते हो मेरी तरह, तो मुझे 25 कभी 28 भी मिल जाता है, मेरे को अराउंड 25 से 30 के बीच में माइलेज देती ही देती है, जबकि मैं भाई बहुत गंदा चलाता हूँ बाइक को, बहुत ही ज़्यादा गंदा। अब एक बार इसका भाई 0 to 100 कर लेते हैं। तो भाई अब करते हैं हम इसका 0 to 100, कितने देर में 0 to 100 बाइक चली जाती है। पीछे गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। देखो अस्सी 90 तक तो भाई उड़ते हुए आते हैं, 80 के बाद थोड़ा सा टाइम लगा रही है बाइक 100 तक जाने में, बट भाई इनसेन पावर है यार। क्योंकि भाई स्पोर्ट बाइक नहीं है ना कि आप उड़ते ही चले जाओगे, बट आपने देखा ना 80 तक तो भाई क्या धूम धड़ाके में आती है, पता ही नहीं लगता भाई। मेरे हिसाब से 2 से 3 सेकंड लगाती होगी 80 तक आने में हार्डली, भाई क्रेजी मशीन है। बाकी भाई इतना मैंने इसका फ्यूल लो कर रखा है, इसका एक रीज़न है कि मेरे को इसका माइलेज टेस्ट भी करना है, क्योंकि भाई 2 सर्विस इसके ऑलमोस्ट हो चुकी है, मेरे को देखना है भाई कि माइलेज ये ज़्यादा दे रही है कम दे रही है। जो सर्विस वाला मिथ है ना कि सर्विस कराने के बाद बाइक ज़्यादा माइलेज देती है गाड़ी कुछ भी, तो वो चेक करना भाई, तो इसलिए मैंने इसका लो कर रखा है। अगली वीडियो भाई माइलेज वाली आएगी, तो
जिस किसी को भी माइलेज वाली वीडियो देखनी है चैनल पे बने रहना। बाकी भाई क्या कहना चाहोगे इस ब्यूटी के बारे में, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया भाई, इसकी पावर, इसकी हैंडलिंग एक नंबर। मैं आप सबके सामने शो करता हूँ भाई, 120 पे 100 पे भी मैं इसको सिंगल हैंडेड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। देखो भाई 80-100 पे है भाई, सिंगल हैंडेड यूज़ कर सकता हूँ मैं अभी भी इसको, और बिल्कुल खड़ी की खड़ी होएगी भाई बाइक। देखा भाई आपने 80-100 पे भी भाई बिल्कुल बाइक स्टेबल है, जैसे खड़ी है ना वैसी की खड़ी रहती है, क्योंकि भारी इतनी है ना तो बिल्कुल स्टेबल है भाई बाइक। मैं तो बोलूँगा भाई एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है, मैं तो बोलूँगा भाई रिव्यू देख के आप बाइक का जजमेंट नहीं ले सकते हैं, एक बार शोरूम जाओ टेस्ट ड्राइव जरूर लो भाई बाइक की, एक बार टेस्ट ड्राइव अगर आप ले लोगे उसके बाद भाई आपको पता लगेगा क्या बीस है। देखो पाँचों गियर है, होने देते हैं भाई जितना लो होता है, पाँचों गियर में देखते हैं भाई कितनी जल्दी ये अपने आप को उठा सकती है, जैसे इन केस हमने ब्रेक लगा ली, पाँचों गियर ही है, ठीक है। आगे बाइक 10 की स्पीड में थोड़ा सा झटका मारा बट पावर ये है भाई पावर, पाँचवें गियर में भी अपने आप को इसने आराम से उठा लिया। तो भाई अगर आपको फीचर चाहिए ना वो ऐसे स्क्रीन में लगे हुए बस गिने चुने उंगलियों में जिसको आप गिन सकते हो तो ये बाइक आपके लिए नहीं है, बट अगर आपको रियल पावर चाहिए और रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है भाई बाइक की, ट्रस्ट में, तो भाई अगर आपको रियल पावर वाली बाइक चाहिए तो प्लीज़ एक बार सर्विस सेंटर विजिट कीजिए, ज़रूर चेक कीजिए। और एग्जॉस्ट साउंड भी भाई बहुत अच्छा है, मैंने सुनाया नहीं आपको, बट एक बार जाओ तो यार तब देख लेना कि क्यों मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यही था ओवरऑल आज की वीडियो में, अगर भाई कुछ भी मिसिंग हो गया हो मेरे से और आपका कोई भी डाउट होगा वीडियो को लेकर के तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं 110% भाई आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। तो भाई यही था आज की वीडियो में, आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड सेफ राइड भाई।